कर रहे हैं? लॉन्च तो हमारी एल्बम मतलब गाना रिलीज़ तो हो गया 4 दिन में, 1 मिलियन आ गया है और सब ऑर्गेनिक आया है, सो मैं बहुत थैंकफुल। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी क्योंकि आज हमारे गणपति जी का आगमन है और आज का दिन जो है बहुत लकी माना जाता है, तो आई एम रियली ग्लैड कि आज गणपति जी आए और हमारी एल्बम भी जो है 1 मिलियन तक चली गई, सो आई एम रियली ग्लैड अबाउट दिस। This is the way you celebrate Ganpati. Oh yes, this is the way I celebrate Ganpati, you know, and Ganpati ji is my favorite. So, मैंने बोला भैया मेरे फेवरेट गणपति जी हैं और आज ही मेरा 1 मिलियन हो गया है, देखते देखते 100 मिलियन कब हो जाएगा, उनका आशीर्वाद रहा तो। ओके अभी बिग बॉस को लेके भी अब एक नए तरीके से बिग बॉस आ रहा है, कपल्स जी शादीशुदा जोड़े जो सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड से या रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री से जोड़ों में लेके आ रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना, क्योंकि आप बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। देखिए जो अभी जो कपल आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो लीगल कपल है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जहाँ ज़रा सा कुछ होता है बिग बॉस के अंदर तो उनके कैमरेज जो है सब चीज़ कैद कर लेते हैं। अब बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि 12 में जो लीगल कपल है और उनका प्यार कहाँ तक दिखाएंगे बिग बॉस के हमारे कैमरे। अभी जानना चाहूँगा बिग बॉस एक बिल्कुल नए तरीके से आ रहा है जहाँ शादीशुदा कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ और दोस्त या सहेलियाँ दो जोड़े में वो आ रहे हैं, तो क्या कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है? देखिए जाहिर सी बात है इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज पहले क्या होता था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे, अब तो खैर एक हस्बैंड है एक वाइफ है जो कि दोनों लीगल हैं, एंड जब लीगल हैं तो उन्हें पूरा प्यार करने का हक है, उनको पूरा दे अलाउड टू डू लव मेकिंग, दे कैन डू एनीथिंग, बिकॉज वो कानून तौर पे हर तरीके से अलाउड है। सो आई वांट टू सी, मुझे देखना है कि वो कैमरे में कहाँ तक कैप्चर होता है और कितना वो यू नो पब्लिक को दिखाते हैं, जैसे हमारे टाइम पे किस कर लिया ये कर लिया रात में दिखाते थे हमारे कंटेस्टेंट को, अब मैं देखना चाहता हूँ एंड इट विल बी सुपर इंटरेस्टिंग, एंड प्लस अब 377 एक्ट जो है वो यू नो इट्स गॉन, सो नाउ देयर इज़ नो डिफरेंस, अब तो कोई भी दो दोस्तों के बीच में प्यार हो सकता है यू नो, एंड वो कहाँ तक जाएगा एंड हाउ दिस न्यू बिग बॉस गाना मेक इट यू नो, आई एम सो एक्साइटेड टू सी इट, मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ एक्साइटेड कोई नहीं है कि कितना मज़ा आने वाला है बिग बॉस 12 में, बिग बॉस 12 दोबारा और मज़ा होगा 14, बिकॉज अब सारी सीमाएँ रेखाएँ खुल चुकी हैं, यू नो ऑल द सीमाज आर ओपन, देर इज़ नो बाउंड्री, आराम से ऑक्सीजन ले सकते हैं और दे सकते हैं, सो आई वांट टू सी व्हाट गोना हैपन इन दिस बिग बॉस 12, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और क्या बिग बॉस में इतनी हिम्मत है कि वो कैमरे वहाँ तक जा सकते हैं? एंड ऑल्सो यू नो मुझे मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब जो अपना बिग बॉस चल रहा है अब वो कहाँ तक उसको लेके जा सकते हैं, वो कहाँ तक कितना प्यार दिखा सकते हैं, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ तक कितना दिखा सकते हैं, क्या हमारी बिग बॉस की टीम वो सब ला सकती है जो कभी किसी दूसरे बिग बॉस में नहीं आया है, बिकॉज इट्स ओपन नाउ, कपल्स जा रहे हैं, एक्ट हट चुका है, इट्स फ्री कंट्री गाइज, वी वॉन्ट सी द रियल थिंग यू नो, जैसे हमारा हॉलीवुड में होता है, जैसे हमारे UK बिग बॉस में होता है कि वहाँ पर पूरा हम जानते हैं कि ठीक है हमारी फैमिलीज देखती हैं, आई रियली रिस्पेक्ट दैट और यू नो वो एक उसमें रहेगा, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड कि क्या दिखाएंगे, सो यू नो मैं तो देखूंगा ही अब दबा के, मतलब कहीं अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ मेरे शोज भी हैं तो मैं डाउनलोड करके देखूंगा, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट बिग बॉस 12 एंड आई विश बिग बॉस 12 फुल टीम भैया रॉकेट।